अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। तो आज हम अपने किचन में पकाने जा रहे हैं चिकन टिक्का विद ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 800 ग्राम हमारे पास चिकन है, ये विद बोन चिकन है, आप चाहे तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने दो मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 50 ग्राम काजू, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 पिंच ऑरेंज रेड फूड कलर, ये हमने अजंता का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं क्योंकि इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं। इसके अलावा हमने 4 हरी इलायची और 7 से 8 लौंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 200 ग्राम दही और 100 ग्राम के करीब हमारे पास मलाई है, ये दूध की है, आप चाहें तो अमूल की क्रीम ले सकते हैं। 7 टमाटर हैं और ग्राम से नापे तो ये 400 ग्राम है। इसके अलावा हमारे पास 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज है, इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और बचा हुआ 1/2 ग्रेवी में यूज़ करेंगे, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच के करीब रेड ऑरेंज फूड कलर, 1/2 इसको डालकर अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे करीब 30 से 35 मिनट के लिए। चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसको हम 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। हमारे चिकन को 35 मिनट हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल तैयार है पक जाने के लिए। तो पैन हमने गर्म कर लिया और 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डालेंगे। अपना चिकन टिक्का बना लेंगे, पहले हम अपने चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे। हमें ये इतना कुक करना है कि जो चिकन है हमारा एकदम से टेंडर हो जाए और जो मसाला है इसका जो इसके साथ लगा हुआ है वो बिल्कुल टिक्के के साथ लिपट जाए। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे और इसे चम्मच चलाते रहें और उसको तब तक पका रहे हैं जब तक कि ये हमारा चिकन टेंडर हो जाए। हमारा चिकन टिक्का तकरीबन तैयार है। इसमें हल्का हल्का सा पानी है तो इसको हम दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम बे लीफ, वन टीस्पून जीरा और बाकी के गरम मसाले। गरम मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाने देते हैं। गरम मसाले का कलर हमारा चेंज हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे अनियन, फाइन चॉप अनियन है और 2 मीडियम साइज के अनियन थी ये। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा चिकन टिक्का एकदम से रेडी है और ये देखें आप, एकदम टेंडर हो चुका है ये, बिल्कुल आसानी से हमारा ये पक जा रहा है। तो अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जब तक कि इसमें ब्राउन स्पॉट आते हैं और इसे चलाएंगे नहीं, बस इसी तरह से छोड़ देंगे और इसे कवर कर देंगे। करीब 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे ताकि इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाए। हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है लाइट, तो अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ थोड़ा सा और भून लेंगे हम।
जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा भून चुका है एक मिनट के लिए। तो इसमें हमने दो टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं और तीन टमाटर को हमने फाइन चॉप करके इस तरह रखा हुआ है। तो अब हम इसे डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इधर हमारे चिकन के पीसेस पर ये देखिए ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। टमाटर और अनियन के साथ साथ अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा पानी डाल डाल कर इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि मसाले में जो हमारे कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे काजू का पेस्ट। इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लिया था और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे भी थोड़ी देर भून जाने देंगे। काजू का पेस्ट हमारा भून चुका है और अब हम इसमें चिकन टिक्का डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम पहले इसमें अनियन डाल देंगे। हमने एक अनियन को इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है, एक शिमला मिर्च को इस तरह क्यूब्स में कट किया हुआ है और दो टमाटर इस तरह से क्यूब्स में ही कट किया हुआ है। तो पहले हम अनियन डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी की जितनी हमें थिकनेस चाहिए इसको चलाने के बाद में हम उसमें इतना पानी ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम शिमला मिर्च और टमाटर दोनों ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर से हम क्रीम ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और जितनी हमें ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उतना हम पानी डाल देंगे यहाँ पर। ये 200 ml हमने पानी का यूज़ किया है यहाँ पर, देखें कितना होता है ये। और ये 1 pinch के करीब हम इसमें डालेंगे रेड ऑरेंज फूड कलर, ताकि जो कलर है हमारी ग्रेवी का वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। जैसा हम रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं वहाँ पे कलर देखा होगा आपने, काफ़ी डार्क होता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में होगा ये। आपका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा। हमने 200 ml पानी डाला है और इतना ग्रेवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सही है ये। और इसमें अब हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया फाइन चॉप, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे, ताकि हरे धनिया का फ्लेवर और सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे कवर करके 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। हमारे चिकन टिक्का को बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम से रेडी है। तो हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के बाद में हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चूल्हे का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और 2 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार है और इसको आप बटर नान या तंदूर की रोटी के साथ में सर्व कीजिए। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।